कहा आपको कि किसान ढीला पड़ गया है? अरे सरकार ने ढीला पड़ गया है साहब, गजबे बतिया रहे हैं आप। अरे किसान का जान देखिए तो एकदम सैलाब उतरा हुआ है सड़कों पर। हाँ प्रधानमंत्री जी के लिए आप कह सकते हैं कि उनके रोने से हो सकता है उनको एहसास हो गया हो कि भाई जैसे टिकैत साहब के वजह से भीड़ आ गया तो हमारा रोने से जो है भीड़वा कम हो गया, लेकिन ये गोदी मीडिया कहेगा, आप लोग कहेंगे तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। कहे कि आप लोग जो हैं लोकतंत्र के रक्षक हैं और वाकई अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। लोकतंत्र में चार खंभा है ना साहब, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, तो चौथा खंभा की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं आप लोग। आपको धन्यवाद, बधाई और एकदम शहीद आजम भगत सिंह के कुनबे के आप लोग लग रहे हैं। आप लोग लगते हैं कि लाला लाजपत राय जी के पुण्य आत्मा को शांति देने के लिए वचनबद्ध हैं, लेकिन वो गोदी मीडिया जो है वो क्या करता है, आता है हमारा खाली टेंटवा के फोटो खींच लेता है और उसका फोटोवा वीडियो बना के और दिखाएगा कि किसान है ये नहीं है। अरे आओ नरे गोदिया, आके देख कितना किसान है यहाँ। तो अडानी और अंबानी के गोद में खेलने वाले लोग हमारे किसान की जमीन को ललकार रहा है, गलत कर रहा है। पूरा तौर हम विरोध कर रहे हैं इस बात के, और किसान मजबूत है तो देश मजबूत है और किसान हमेशा मजबूत रहा और देश हमारा मजबूत रहेगा। इंडिया टीवी ने कल ही अपडेट दी, साहब ने ये कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी। ये भाषण तो हमें सबे दिन सुने हैं कि भाइयों बहनों अगर 90 दिन में काला धन नहीं ला दिए तो हमको फांसी पर लटका देना। एमएसपी था, है, रहेगा, व्हाट इज ड्रामा, व्हाट इज डायलॉग। अरे साहब एमएसपी तो सबको पता है कि दुए राज में ना था, लेकिन ये जो आंदोलन है पूरे हिंदुस्तान के किसान के लिए ना है, ये आंदोलन जो है हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो चाहता है कि हिंदुस्तान मेरा मजबूत रहे और कोई कुपोषण का शिकार ना हो, कोई रोटी के लिए किसी का गुलाम ना हो, उस सोच को लेकर के आंदोलन किया गया है। क्योंकि ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो गरीबों का और अमीरों की जो दूरी कम हो, जो कम हुआ है उसको ज़्यादा करने के लिए अनाज पर कब्जा करना होगा, तो ये अनाज पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके खिलाफ किसान यहाँ खड़ा है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि किसानों का जो अनाज है उसका दाम मिलेगा अच्छा, उसके अलावा जो आम आदमी है देश का उसको भी जो है सही कीमत पर अनाज मिलेगा, महंगा नहीं मिलेगा ज्यादा। कहाँ से मिलेगा भाई, अभी आप एक टमाटर चलिए मेरे गली में आपको 10 रुपए किलो हम दिलवा देंगे, अभी बराबर में मॉल है चलिए 60 रुपए किलो आपको मिलेगा, वही टमाटर जो है 60 रुपए किलो मिलेगा। तो हमको बुड़बक समझते हैं ये कि जो कहेंगे वो हम मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हम अपने अच्छा और बुरा का जो होगा उसको हम पहचाने की कैपेसिटी रखते हैं, और अधिकार हमको बाबा भीमराव अंबेडकर ने जी दिया है, जितना एक वोट की ताकत अडानी और अंबानिया का है ना, उतना ही वोट का ताकत जो है हल चलाने वाले का भी है और झोपड़ी में रहे वाला का भी है। लेकिन वो तो आपको कह रहे हैं कि आंदोलन जीवी है, कहीं भी चले जाते हैं आंदोलन करने के लिए ये लोग। पहली बार इस सरकार को बढ़िया नाम दिया है हमको, पहली बार, न तो कभी खालिस्तानी कह दिया, कभी आतंकवादी कह दिया, कभी नक्सली कह दिया, बड़ा पीड़ा होता था, लेकिन आज सीना ठोक के कहते हैं कि हम आंदोलनजीवी हैं, हम फर्जी नहीं हैं, तुम्हारे पूर्वजों की तरह माफी मांगने वाले हम हमारे पूर्वज नहीं रहे हैं, हमारे पूर्वज तो फांसी के फंदे को चूमा है तब जाकर के मेरा देश आजाद हुआ है, और उस आजादी में आज हम सांस ले रहे हैं, तो तुमको पीड़ा हो रहा है, तुम फिर चाहते हो कि हम किसी न किसी के गुलाम हो जाएं। अरे 1857 की क्रांति आप लोगों को याद होगा, 1857 की क्रांति से पहले जो है पूरे हिंदुस्तान का बागडोर ईस्ट इंडिया जैसी कंपनियों के हाथ में थी, लेकिन जब आंदोलन हुआ ना साहब तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया से सत्ता हस्तांतरण करके अपने हाथ में ले लिया, लेकिन ये मेरा सरकार इतना आंदोलन हो रहा है, जबरदस्त आंदोलन है, जन आंदोलन है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है, हर हिंदुस्तान का दिल इसमें जुड़ा हुआ है आंदोलन से, ओकरा बाद भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है, और ये आज भी जो है हिंदुस्तान की ताकत को व्यापारी के हाथ में देना चाहता है, जिसका विरोध किसान करता है, करता रहेगा जब तक ये तीन काला कानून वापस नहीं हो जाता। मोदी साहब खुद सामने आ गए हैं किसान आंदोलन को लेकर के, वो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं किसानों की, कहाँ दे रहे हैं जवाब, कहाँ दे रहे हैं जवाब। उसी राज्यसभा में प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने बारीकी से समझाने का काम किया,
कि इस हिंदुस्तान में 70% किसान ऐसे हैं हमारे साहब जिनके पास 2 से 3 बीघा जमीन है, वो कौन से मंडी में जाके माल बेचेंगे भाई? अखिलेश जी एक्सप्रेसवे बनवा दिए, एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे मंडी हाउस बनना था, सारा मंडी का काम स्थगित करवा दिए, तो कहाँ हमारा किसान भाई माल जाके बेचेगा भाई, ये तो बताइए। तो इस सरकार जो है कहती कुछ है करती कुछ है, इनके कथनी और करनी में सदैव फर्क रहा है। ये तो ना जाने कौन सा वो फर्जी लाल किला लेके बनवा के स्टेज बना बना के घूम घूम के हम हिंदुस्तानियों का मति भ्रमित कर दिए। हाँ जादूगर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कहाँ मंडी? अरे भैया जमीनमा तो वही रहेगा, ये बता क्या तीन कानून लाए नहीं जी? तीन कानून लाए हम कहते हैं कि भैया MSP आप हमको कर दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दीजिए। तो ये राज्य में ना है MSP साहब, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। हम इनसे कहते हैं कि साहब जमाखोरी पर कानून बना दीजिए, कि जमाखोरी एक लिमिट होगा कि एक व्यापारी 1,000 क्विंटल अनाज रख सकता है, 1,000 क्विंटल से 1 किलो फालतू नहीं रखेगा। है क्यों? बहुत पैदा होता है, किसान के पास जगह नहीं है, किसान के पास जगह नहीं है। FCI कहाँ चला गया? इस सारा संस्था बेच दिए ना, ये तो सब बेच करके जितना बेहतर स्ट्रक्चर ये तैयार करना चाहते हैं अडानी और अंबानी का, उतना ही बेहतर स्ट्रक्चर ये FCI का भी कर सकते हैं ना साहब। आज वो जियो के चक्कर में BSNL का क्या हल हुआ है, हम आपके सामने ना है। सस्ता भी तो मिला ना। आज कितना सस्ता मिल रहा है जियो? 2 रुपया होगा, महंगा होगा, 2 रुपया कर दिया है। बहुत बढ़िया। इस सरकार जो है आपको चोंगा से कहते हैं, चोंगा से लग्घी से पानी पिलाने वाली बात, लग्घी से कभी पानी कोई पिया है? तो ये लग्घी से पानी पिलाना चाहता है, लग्घी से पानी कोई नहीं पिया है साहब, ओस चटने से प्यास नहीं बुझा है साहब। ये सरकार जो हमको ओस से प्यास जो बुझवाना चाह रहा है, आज तक जो भी बात ही किए हैं हमारे साथ, जो भी वादा किया हमारा हिंदुस्तानी के साथ, ये वो भी अगर पूरा किए होंगे तो हम इनके खिलाफ बोलना बंद कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। वो भिखारी बनाना चाहते हैं हमको। अरे हम देश के मालिक ना हैं, वो 2,000 रुपया दे के हमको भिखारी समझ रहे हैं और हमारे माल पर ऐश कर रहे हैं। हमको कहते हैं खिलौना बनाओ, कुत्ता पालो, ओकरा कमाई से वो हवाई जहाज पर दौड़ेंगे। उनका एक दिन का एक 24 घंटे का 1,65,00,000 रुपया खर्चा है उनके सुरक्षा पर। आप समझते हैं बात को? प्रधानमंत्री सुरक्षा तो होगी उनकी भाई, प्रधानमंत्री आप हैं लेकिन जन के प्रधानमंत्री ना हैं। आप ऐसा काहे कर्म करते हैं कि आप इतना सुरक्षा रखे पड़ रहा है आपको? अरे हम नेता हैं तो खुला ना रहेंगे, जनता के बीच जाके जनता की सुनेंगे ना, जनता का दर्द जानेंगे कि नहीं जानेंगे? संसद में ये बात आई है कि जिसको मानना है वो कानून माने, किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं है, तो आप क्यों नहीं जा रहे अपने घर? हाँ, बहुत बढ़िया बात कह दिया आप तो, जिसको मानना है मान ले। अरे भाई ऐसा ही तो हुआ था उस टाइम भी जब ईस्ट इंडिया आया था जी। ईस्ट इंडिया जब आया तो कहा कि भाई जिसको इससे व्यापार करना है करो और नहीं करना है नहीं करो। लेकिन आप सोचिए, भले भी हम कहें कि हिंदुस्तान में 50% 60% लोग ऐसे हैं जो 2 बीघा 1 बीघा 3 बीघा के जोतनियाँ हैं जी, और जो कुछ लोग जमींदार हैं जिन पे 500-400 एकड़ जमीन है। अगर मान लीजिए 500 एकड़ वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और भी कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का है? 25 साल का है जी। जबकि हम लोग पट्टा पर भी बटैया भी देते हैं तो साल ये 2-3 साल का देते हैं, उसके बाद किसी और को दे देते हैं कि कहीं वो कब्जा न कर ले मेरा जमीन। अभी 25 साल उसमें बोएगा धनिया, हमको चाहिए गेहूँ, तो हम कहाँ जाएंगे? केरला लेने? 15 साल बाद तो वैसे ही मालिकाना हक हो जाता है। फिर 15 साल बाद मालिक, तो ये बुड़बक समझ रहे हैं चारों तरफ से घुमा फिरा करके। हम कहें ना कि मिला जुला के इनका नीति यही, आप समझिए बात को। देखिए सुनिए ना, समझिए इस बात को कि ये लड़ाई जो है किसान अपना नहीं लड़ रहा, अपने बेटों का नहीं लड़ रहा है, हिंदुस्तान की वजूद के लिए लड़ रहा है। नहीं तो जैसे उस जमाने में हमारे बाप दादा गुलाम थे 2 वक्त रोटी के लिए, कि रोटी जो दे देगा उसके खेत में काम करेगा, वही हालात यहाँ पैदा कर देगा साहब, आप समझिए बात को। गामा जी, विदेश से कोई ट्वीट करता है सेलिब्रिटी तो घर के लोग कहते हैं कि इसमें देश की बदनामी है, और जब वो राजस्व वाला मामला होता है बिटिया को जला दिया जाता रात में, तब किसी को बदनामी नहीं दिखती हमारे देश में। ये हमारे सरकार का बड़ा विडम्बना है, समझ गए ना साहब। इस सरकार जब से आया है इनको हाउ डू ट्रम्प और हाउ डू मोदी करने के लिए और कोरोना लाने के लिए बड़ा जल्दी था। और उस टाइम में जब विदेश से ट्वीट होता था कि मोदी इज गुड, मोदी बहुत लोकप्रिय हो रहा है, तो ताली पिटता था अंधभक्त गोदी मीडिया की, वाह जी हमारा मोदी ऐसा, हमारा मोदी वैसा। और आज आपके मोदी जी का जुलूम अगर विदेशिया ट्वीट कर दिया तो आपको खलबली मच गया है।
अरे मानवता तो है ना भाई, देश और विदेश नदी ऊ पार जाइए चाहे नदी ई पार आइए, लेकिन हम सब मानवे ना है, मानव हमेशा मानव का कल्याण चाहता है। आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? आगे की रणनीति जो हमारा नेता कहेगा, नेता हमारा कह दिया है 2 अक्टूबर तक हम हैं यहाँ, 2 अक्टूबर के आगे जिस तरह से 6 तारीख को चक्का जाम। देखिए हमारा नेता जो निर्णय लेगा उस निर्णय में हिंदुस्तान का हर किसान और किसान का बेटा अपना ताकत के साथ रहेगा। और सुन लीजिए, 2 अक्टूबर वो दिन है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका को सबसे पहले आज़ाद कराए थे और तब आए हमारे इंडिया में, इंडिया को आज़ाद कराए, तो 2 अक्टूबर को हो सकता है कि हम इस काला कानून से भी आज़ाद हो जाएंगे। हमको पूरा उससे आम सब को परेशानी नहीं होगी। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में जो खराब पंचायतें हो रही हैं, लाखों लोग उन पंचायतों में आ रहे हैं, कितना से डर पाएंगे चुनाव में? ये देखिए चुनाव होती रहेगी, सत्ता आता रहेगा जाता रहेगा, अभी हमारा मकसद चुनाव को प्रभावित करना नहीं है। हमारा मकसद बिल्कुल, हम सब वोटर हैं, लेकिन इस सरकार के कान पर जू का नहीं रेंग रहा है, इसका एक और खेल है, क्या कि चुनाव जैसे ही हो जाएगा ये फिर कोनो गुफा में चले जाएंगे और वहां से ईवीएम हैक हो जाएगा, इस चक्कर में इनके कान पर जू नहीं रेंग रहा है। आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए ईवीएम के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।